हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरके ग्रीन गार्डनिंग में। और आज की इस वीडियो में गाइस आज हम बात करने वाले हैं अपने गुलदाउदी क्रिसैंथेमम के ऊपर। तो इसमें जो अभी के टाइम पे जो प्रॉब्लम हो रही है वो सभी के साथ हो रही है, तो सभी को दिक्कत आ रही है, तो ये सभी के साथ हो रहा है। और इतनी बुरी तरीके से इसमें ये फंगस फैला है जो कोई कहने की हद नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप। तो इसमें कुछ ये सफ़ेद ब्लैक चींटियाँ होती हैं जो ऊपर टिप पे आके लग जाती है, ठीक है। ये देख पा रहे हो मेरे पूरे प्लांट में हो चुकी है। तो आज हम इसकी केयर टिप्स करने वाले हैं, जो भी मैं आपको माइक्रो न्यूट्रिशन, जो भी इसके लिए खान खुराक है, जो भी इनका फर्टिलाइज़र है, वो आज मैं देने वाला हूँ इसको। और इनको हटाने वाले हैं, जस्ट आपको हटा के ये दिखाऊंगा सिर्फ 5 मिनट में। आपको 5 मिनट में मैं इन सारी जो भी चींटियाँ हैं इनको सारी को हटा दूंगा। और फिर एक बार ये चली गई प्लांट से दोबारा वापस नहीं आएंगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट में हम इनको हटाने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इस प्लांट में 2-3 दिन लगातार काम करना है जब ये पूरी तरीके से हटेगी प्लांट से, वरना इसको 5 मिनट में साफ कर देंगे। वैसे तो हम इसको 5 मिनट्स में हम पूरी तरीके से इसको हटा देंगे, मेरे इस पूरे प्लांट में है। और आपको एक बात बता दूं, गर्मियों में आप इसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है आपको। अगर आपको इसको फर्टिलाइज़र दोगे उतने ही फंगस ज़्यादा लगेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको इसको हटा के किसी एक जगह पे सेव कर देना है जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो, जो धूप है वो छनके आती हो इस प्लांट के पास में, आपको इस जगह पे आपको इसको शिफ्ट करना है, ठीक है। तो मैंने एक जो हमेशा मेरे क्यारे में लगा हुआ है ये, तो मैंने तो इसको इसी में ही लगा रखा है। और जब इसका सीज़न आता है तो मैं इसी मदर प्लांट से कटिंग ले लेता हूँ, और कटिंग लेने के बाद इसको ग्रो करता हूँ, ठीक है। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अभी टॉपिक पर आते हैं इनको हटाना कैसे है। सबसे पहले जिन लोगों के पास स्प्रेयर बॉटल नहीं है, वो स्प्रेयर बॉटल मार्केट से ख़रीद ले। जब तक आप स्प्रेयर बॉटल नहीं लोगे और इनको हटाने का प्रयास करोगे तो वो बिल्कुल नहीं हटेगी। और देख सकते हो इसमें तो मिलीबग का अटैक भी होता जा रहा है। तो मिलीबग चींटियों से आती है, जब चींटियों हमारे प्लांट पे आती है तो मिलीबग का अटैक ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि चींटियाँ ही मिलीबग को लाती है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसको स्प्रेयर भरना है इसके, आपको जिसके पास स्प्रेयर बॉटल नहीं है वो स्प्रेयर बॉटल ख़रीद ले। तो आपको जो टिप पर वो लग रही है आपको इनको स्प्रेयर करना है, स्प्रेयर जो मतलब पूरी है सभी को हटा देना है, ठीक है। आपको बिल्कुल केयरफुली इसको बिल्कुल हटा देना है, सारी हट जाएगी, ठीक है। आपको स्प्रेयर में स्प्रेयर भर के कुछ इस पतले धार बना के आपको इनको ऊपर टिप पे मारना है, जब ये पूरी निकल जाएंगे, ठीक है। सभी को मार देना है, 2-3 बार इसको निकालना है, ठीक है। आगे का प्रोसेस भी मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। मैंने कैमरा पकड़ रखा है, थोड़ा सा हार्डवर्क हो रहा है, तो मैं इसको वीडियो को पॉज करके इस पर आगे का प्रोसेस करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इनको सभी को हटा दिया है वैसे तो। और आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल वॉश कर देना है किसी स्प्रेयर बॉटल में, स्प्रे डाल के बिल्कुल बारीक फार बना के इसकी आपको इसकी टिप पर मारना है, ठीक है। और चलिए अब और इसको अब बाद में इसको फंगिसाइड क्या देना उसका प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। इसको लाइफ टाइम के लिए भगाने के लिए आपको चाहिए होगा एक तो नीम ऑयल, आप कोई भी नीम ऑयल ले सकते हो, ये मैंने डाबर का ले रखा है, डाबर नीम ऑयल देख पा रहे हो। और एक आपको कोई भी लेना है नीम हैंड वॉश, आप शैम्पू का यूज़ कर सकते हो, मैं हैंड वॉश का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसकी जगह पे जो 2 रुपए की पैकेट आती है जो इसको निर्मा एडवांस बोलते हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए ये बेटर रहेगा हैंड वॉश एंड नीम ऑयल, ठीक है। आप नीम ऑयल की जगह पे फंगीसाइड का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने इससे बेटर कुछ नहीं देखा, ठीक है। तो अभी हम इसको इक्वल करेंगे,
जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो सब मालूम ही होगा, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं केयरफुली बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। एक लीटर आपको पानी लेना है, एक लीटर से थोड़ा कम लेना है। आप स्प्रेयर जिसके पास नहीं है वो मार्केट से ख़रीद ले, 20-25-50 रुपए की आ जाएगी एग्जैक्टली। और अगर आप इस वाले ये वाली अगर लोगे तो ये महंगी पड़ेगी, आप इसका कोशिश मत करना, ठीक है। तो हम एक ढक्कन तो नीमोल लेने वाले हैं। ओ माय गॉड, हाँ एक ढक्कन, ठीक है। तो आप देख लीजिए, एक ढक्कन हमें नीम ऑयल लेना है और इसमें डाल देना है, ठीक है। अगर आप ऐसे नीम ऑयल को मिलाएंगे पानी में तो वो तेल की जो ऑयल होता है ना उसकी तरह ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। नीम ऑयल को अगर आप ऐसे ही डालोगे तो वो ऊपर पानी में रह जाएगा। अब हमें लगभग एक ढक्कन के समथिंग इसको डालना है, हमें नीम सोख को डालना है। तो ये हमने डाल दिया एक ढक्कन से, दोनों को हमको बराबर मात्रा में लेना है, नीम ऑयल को और नीम सोख को या शैम्पू को, ठीक है। इसको लेने के बाद आपको इसको बिल्कुल ही मिलाना है, तो हमें इसको मिलाना है इस तरीके से। आपको देख लीजिए, आप इसको नीम को बिल्कुल ही इसमें स्प्रे डालना है हमें, तो कुछ इस तरीके से, और इसको बारीक कर लेना है, ठीक है। आपको इसको शाम के टाइम यूज़ करना है, मैं सुबह के टाइम आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको शाम को इसके अप्लाई करना, तो पूरे जो गुलदाउदी का प्लांट है आपको इस पर स्प्रेयर करना है, ठीक है। इसको पूरे पर नहला देना है पूरी तरीके से, सीधी बात देख पा रहे हो आप, कुछ इस तरीके से। और ये कोई भी नुकसान नहीं करने वाले, बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये हमारे लिए। केमिकल में अगर बताऊँ तो आप प्लांट जला के बैठ जाओगे, और अभी क्या धूप बहुत ज़्यादा हो गई है तो हमें इसको केमिकल का यूज़ करना भी नहीं है, ठीक है। ओनली फॉर ऑर्गेनिक हमें यूज़ करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें बिल्कुल इतनी ज़ोर से नहला देना है इसको, जो हमने लिक्विड बनाया है वो पूरे प्लांट में लग जाए। आई होप आपको वीडियो में जो बताया वो आपको समझ आ गया होगा, जैसे मैंने किया आपको वैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो बस यही छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लिए।